हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। ह्यूमन रिलेशंस थियोरी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, एल्टन मायो ने दी है। अलग अलग तरीके से लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं, बट एल्टन मायो जो है वो मैं प्रोनाउंस करूंगी। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इनकलकेट लर्निंग को। मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दें। और ह्यूमन रिलेशंस थियोरी की जब हम बात करेंगे डिटेल में, वो शुरू करते हैं, उससे पहले हमें एल्टन मायो के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो मैंने चीज़ें सारी इंक्लूड की हैं यहाँ, आपको सबकी सब याद करने की जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया बोर्न अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट इनको बोल देते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट दिखेगा, बट इनका जन्म जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। लॉजिक और फिलोसफी में मास्टर्स हैं ये, मेडिसिन में भी इन्होंने चीजें शुरू की थी, पढ़ना शुरू किया था, बट ड्रॉप आउट है वहां से। और फिलोसफी में मास्टर्स हैं, तो चेयरमैन ऑफ फिलोसफी डिपार्टमेंट जो है कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में 1919 में ये जो अपॉइंट किए गए। ठीक है जी, यूएसए ये इमाइग्रेट किए थे, यानी कि ऑब्वियसली अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में बोर्न हुए थे, देन यूएसए आए थे। वहाँ पे फिर ये इंडस्ट्रियल रिसर्च के प्रोफेसर बने, ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक है जी, साइकोलॉजी भी इन्होंने पढ़ा है, और साइकोलॉजी पढ़ते टाइम इन्होंने साइकैट्रिक ट्रीटमेंट जो है वो दिया किसको, जो सोल्जर शेल शॉक से गुजर रहे थे, कहाँ पे, जो वर्ल्ड वॉर वन हुआ था। शेल शॉक क्या होगा, जब आप ये जो बॉम्ब वगैरह फटते हैं ना, तो जो एकदम से आवाज की वजह से जो दहशत या जो डर बैठ जाता है, वो शेल शॉक होगा। ठीक है जी, फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस थियरी इनको बोला जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए जानना, क्योंकि ये जो फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस थियरी, ये क्वेश्चन कई बार नेट के क्वेश्चन नेट में पूछा गया है। अगर इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें, मेजर कंट्रीब्यूशन, सो ह्यूमन रिलेशंस थियरी तो है ही ऑब्वियसली। ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1933 में लिखी, सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर 1945 में, और 1947 में पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। उससे पहले जब हम बात करेंगे ह्यूमन रिलेशनशिप थियरी की, क्योंकि ये मैंने उससे पहले क्यों बोला, क्योंकि 1947 तक बता दिया ना हमने, सो ये 1933 से पहले, यानी कि 1927 से 34 तक क्या हुए थे, हॉथर्न स्टडीज हुए थे, हॉथर्न स्टडीज, सो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगर ह्यूमन रिलेशंस थियरी की बात करें, सो 1930s में ये एग्जिस्टेंस में आई। ठीक है, जो क्लासिकल अप्रोच है उसका रिएक्शन थी। क्लासिकल अप्रोच क्या होगा, कि जहां पे हम फोकस किस पे करते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के पे ऊपर करते हैं, और वो क्लासिकल थिंकर्स होंगे जो उस क्लासिकल अप्रोच को सपोर्ट करते हैं, जो कि हमने टेलर, फयोल, गुलिक गुलिक एंड यूरविक, अगर आपको याद हो तो पीएस जो हमने पढ़ा था, POSDCORB, वो इन्होंने ही दिया था। टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, सो इस तरीके से हम चीजें, टेलर का टेलरिज्म, ठीक है, वो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। सो पॉइंट ये है कि जो वेबर, टेलर, इन लोगों का क्या था, एक क्लासिकल अप्रोच था, इसीलिए इनको क्लासिकल थिंकर्स बोल दिया जाता है। इनके ऑपोजिट थे जो ह्यूमन रिलेशनशिप थियरी थी और जो एल्टन मायो थे वो। अब ये क्लासिकल अप्रोच क्या था, ये हमेशा स्ट्रेस आउट करते हैं किस पे, फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। अगर आपको याद हो तो POSDCORB जो हमने पढ़ा, वो एक स्ट्रक्चर ही तो है, कि आप कैसे जो है प्लान करेंगे, और फिर लास्ट तक जो है हमने पूरी की पूरी फुल फॉर्म्स की, सो वो एक स्ट्रक्चर दिया, फॉर्मल वे दिया इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम होना चाहिए। ठीक है, सो वही सारी चीजें कि फॉर्मल चीजों पे ये फोकस करते हैं, और जो ह्यूमन एलिमेंट का जो रोल है उसको ये नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी ह्यूमन रिलेशंस का जो रोल है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए एल्टन मायो ने जो है ह्यूमन रिलेशनशिप थियरी बोल लीजिए आप, सो ह्यूमन रिलेशंस थियरी को ह्यूमनिस्टिक थियरी या सोशियो इकोनॉमिक थियरी, नियो क्लासिकल थियरी भी बोला जाता है। ठीक है जी, अगर मेजर पॉइंट्स की बात करें ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच या ह्यूमन रिलेशंस थियरी के, सो ये कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मैन के ऊपर जो है फोकस करते हैं, कि ह्यूमन बीइंग जो है वो एक सोशल मैन है, सोशल एनिमल लगा लीजिए या सोशल मैन लगा लीजिए। पॉइंट क्या है कहने का, कि ह्यूमन रिलेशंस पे फोकस किया जाना चाहिए, सो ये उसके ऊपर फोकस करते हैं, रादर देन जो पूरा का पूरा इकोनॉमिक पार्ट है या फिर जो फॉर्मल पार्ट है उसके ऊपर। लोग जो है हेटरोजेनस होते हैं, और हर एक इंसान अपने आप में अलग होता है, ये इनका कहना है। इनफॉर्मल ग्रुप्स के ऊपर ये एम्फसाइज करते हैं, और इनका मानना है कि ह्यूमन रिलेशन, जैसे हम कई बार क्लास में भी, तो क्या होता है स्कूल में अगर हम बात करें, तो दो चार बच्चों का या सबके अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं ना। अब टीचर ने तो नहीं बनाए हैं वो फॉर्मली ग्रुप्स, राइट, सो वो इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं, और वो इनफॉर्मल ग्रुप्स जो है वो आपके बिहेवियर को अफेक्ट करेंगे, वो देखेंगे कि आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, सो वो चीज हमें पता चल जाएगी कि ये जो इनफॉर्मल ग्रुप बना हुआ है, इसका इफेक्ट जो है वो हो रहा है बाकी जगह पे। ठीक है,
मायो ने जो है एक रेबल हाइपोथेसिस है डेविड रिकॉर्डो की, वो रिजेक्ट कर दी। उस रेबल हाइपोथेसिस में क्या दिया गया था कि ह्यूमन बींग जो है वो सेल्फिश होता है, और सारे के सारे लोग जो है जब इकट्ठा होते हैं या कोई रश इकट्ठा होता है किसी चीज के लिए, सो कोई ना कोई सेल्फिश मोटिव होता है, अदरवाइज लोग इकट्ठे नहीं होते। बट मायो ने इसको रिजेक्ट किया, और मायो ने पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट की जो है बात की। जैसे हर एक कंपनी की अगर हम बात करें तो लेबर्स की भी अपनी एक यूनियन होती है। आजकल तो चलो फॉर्मल यूनियंस भी होने लग गई हैं, बट इनफॉर्मल वे में भी कुछ ग्रुप्स होते हैं जो कुछ चीजें सेट कर लेते हैं कि अच्छा अगर हमें कंपनी ने 20 यूनिट बनाने का टारगेट दिया है एक दिन में, तो हम क्या करेंगे, हम 15 पे ही फोकस करेंगे, हम 15 रहने चाहिए, 15 से ज्यादा कोई नहीं बनाएगा। तो वो क्या हो जाता है कि आप डिसाइड कर लेते हैं इनफॉर्मल वे में जो आपका ग्रुप है वो। सो ये पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो मायो ने फोकस किया। ह्यूमन रिलेशंस थियरी की बात करें तो एल्टन मायो को फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस थियरी बोला जाता है। उन्होंने कंसंट्रेट किया किसके ऊपर, वर्कर के बिहेवियर और प्रोडक्शन की कैपेसिटी के ऊपर। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ प्रोडक्शन की कैपेसिटी या कैसे प्लानिंग होनी चाहिए, क्या फॉर्मल स्ट्रक्चर होना चाहिए, उनके ऊपर फोकस किया। इन्होंने वर्कर के ऊपर या उसके बिहेवियर के ऊपर फोकस किया, ये जानने वाली बात है। तो इन्होंने और क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर किए, इन्होंने साइकोलॉजिकल जो है और फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल, फिजियोलॉजिकल सारे एस्पेक्ट्स को कंसीडर किया, और इन एस्पेक्ट्स को कंसीडर करते हुए जो ये मेथड अपना रहे हैं उसको हम क्लिनिकल मेथड बोलेंगे। ठीक है जी। इन्होंने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट या सबसे पहला रिसर्च प्रोग्राम 1923 में किया एक टेक्सटाइल मील में। सो उस टेक्सटाइल मील जो कि फिलाडेल्फिया के पास थी, उस मील में क्या दिक्कत हो रही थी कि जो जनरल लेबर है उसका टर्न मतलब कम हो रहा था। प्रॉब्लम क्या आ रही थी वहां पे कि लोग किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, जो कि म्यूल और स्पिनिंग का डिपार्टमेंट था उस टेक्सटाइल मील में, सो वहां पे कम वो जो वर्कर्स हैं वो टिक नहीं पाते, या तो वो छोड़ के चले जाते हैं या कुछ इश्यू हो जाता है। सो पॉइंट ये कि वहां पे वर्कर जो है वो फिट नहीं हो रहे, स्टेबल नहीं हो रहे हैं। सो उस चीज की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए क्या रीजन है, क्या फोकस मतलब क्या गड़बड़ हो रही है, उसके लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, रिसर्च प्रोग्राम किया, जिसको द फर्स्ट इंक्वायरी बोलते हैं। सो ये द फर्स्ट इंक्वायरी भी एल्टन मायो से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज ध्यान रखनी है हॉथर्न स्टडीज, जो कि 1924 से 32 तक चली, 8 साल तक चली। सो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो ये हॉथर्न स्टडीज हैं ये कितने साल तक चली, तो ये 8 साल तक चली। और ये जो स्टडीज हैं ये एक जो है बेस बना के देती हैं किसके लिए, ह्यूमन रिलेशंस थियरी के लिए, बेस का काम करेंगी। एब्सेंटिज्म इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री 1943 में इन्होंने ये एक प्रोग्राम भी किया। इसमें क्या इश्यू आ रहा था कि जो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसमें पर्टिकुलर कोई जो है डिपार्टमेंट है जिसमें सेम वही दिक्कत है जो यहाँ टेक्सटाइल मिल में थी। ठीक है, तो उसके लिए फिर इन्होंने क्या सजेशन दिया वो भी हम देखेंगे। सो ये तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए कि एल्टन मायो से रिलेटेड है, फर्स्ट इंक्वायरी, हॉथर्न स्टडीज और एब्सेंटिज्म इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा, फर्स्ट दो पॉइंट आपको हर एक बुक में मिल जाएंगे। ठीक है जी, इनके साथ साथ यानी ह्यूमन रिलेशंस की जब हम बात करेंगे, ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी की, सो एल्टन मायो को हम याद रखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ और भी लोग थे जो काम करते थे इनके साथ। जैसे ये जो है रोस्थिल्सबर्ग, ये क्या थे, रिसर्च असिस्टेंट थे मायो के। ऐसे ही विलियम जे डिक्सन और ये बाकी नाम हैं जिनको याद करना हमारे लिए जरूरी ज्यादा नहीं है। एल्टन मायो का नाम याद होना चाहिए क्योंकि उनसे क्वेश्चन आता है हर बार। बेसिस क्या है, जो ह्यूमन रिलेशंस थियरी हम पढ़ रहे हैं ना, इसका बेसिस हमने मैंने क्या बताया, हॉथर्न स्टडीज है। सो जो फाउंडेशन है वो क्या थी, जो क्लासिकल अप्रोच की फाउंडेशन थी वो क्या थी, इकोनॉमिक मैन या फिर एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। सो उन चीजों के ऊपर मतलब इन्होंने एग्जैक्ट ऑपोजिट गए ना, ये ह्यूमन रिलेशंस की बात की इन्होंने, सो वो एग्जैक्ट ऑपोजिट जो है वो गए, इसकी फाउंडेशन जो है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है जी, दीज स्टडीज वर कंडक्टेड इन यूएसए, जो हॉथर्न एक जगह है जहां पे ये स्टडीज कंडक्ट की गई, और इसीलिए हॉथर्न स्टडीज इनको बोला जाता है। किसने कंडक्ट की, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने कंडक्ट की, किसके लीडरशिप के अंडर, एल्टन मायो के लीडरशिप के अंडर। अब इन स्टडीज को चार फेजेस में कंडक्ट किया गया, 1924 से 27 तक। अच्छा मैंने पहले शायद 1927 बोल दिया ना, मैंने एक जगह पे इसी में 97 से 34 बोल दिया आई थिंक। सो ये 1924 से 32 है, ये याद रखिएगा भाई, उसको करेक्ट कीजिए। ठीक है, सो 1924 से 32 का जो टाइम पीरियड आप याद रखेंगे, यहाँ पे 24 है, मैंने ऊपर 27 बोल दिया था शायद। सो दूसरा क्या एक्सपेरिमेंट था, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट 1927 में किया, 1928 से 31 तक मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम किया।
बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट किया 1931 से 32 तक. सो 1924 से 27 तक ना 24 से 32 तक जो ये टाइम पीरियड है ये आप याद रखेंगे कि ये हॉथर्न स्टडीज इतने यहाँ तक रही और ये 6 और 2 8 साल के लिए रहे. ठीक है, अब इनका मतलब क्या है वो हम देखेंगे, लेकिन इन फेजेस के बारे में कहाँ मेंशन है वो एक बुक आपको मिलेगी, मैनेजमेंट एंड द वर्कर, 1939 में लिखी गई ये बुक. किसने लिखी? जो उनका असिस्टेंट था और एक और जो डिक्सन नाम के व्यक्ति थे उन्होंने. तो ये इन दो लोगों ने मिलकर ये बुक लिखी जिसमें ये फेजेस मेंशन है. मतलब क्या है इनका? इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट 1924 से 27. एक्सपेरिमेंट का नाम सुन के आप देखिए, इल्यूमिनेशन यानी लाइट की इंटेंसिटी की कितनी है. सो यानी कि अगर एक रूम में जैसे कई बार हम बैठे होते हैं ना और पेरेंट्स बोलते हैं कि लाइट बहुत कम है, आंखें खराब हो जाएंगी, थोड़ा दूसरा लाइट भी ऑन कर लो या दूसरा बल्ब भी ऑन कर लो, राइट. सो वही वाला सीन है यहाँ पे कि अगर एक रूम में लाइट की फ्रिक्वेंसी कितनी है, मतलब कितनी इंटेंसिटी है लाइट की, कि मान लो एक रूम में 4 बल्ब ऑन है, एक में 1 बल्ब ऑन है, तो वो 4 वाला वो डिफरेंस हो गया ना, तो वो इल्यूमिनेशन जो है वो जो लाइट की इंटेंसिटी है उसका कितना फर्क पड़ेगा प्रोडक्शन के ऊपर या काम के ऊपर, जो वर्कर की प्रोडक्टिविटी है उसके ऊपर, ये जानने के लिए ये इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट किया गया. ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा था नेशनल रिसर्च काउंसिल ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ने. दिक्कत क्या हुई, इन्होंने 2 ग्रुप लिए, कंट्रोल ग्रुप टेस्ट ग्रुप, दोनों में 6 लड़कियां ली इन्होंने, 6 गर्ल्स इन ईच ग्रुप. टेस्ट ग्रुप वो होगा जिसकी लाइट की जो इल्यूमिनेशन, मतलब इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, तो हमें लाइट कम ज्यादा करनी है. सो 2 रूम्स में जो कंट्रोल ग्रुप वाला रूम है उसमें इन जनरल जो लाइट है वो रहेगी, जो हम चेंज कर रहे हैं वो हम टेस्टिंग ग्रुप के ऊपर चीजें चेंज कर रहे हैं. ठीक है, अब इन्होंने देखा क्या कि प्रोडक्शन तो दोनों ही ग्रुप का इंक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब जो लाइट की इंटेंसिटी का इफेक्ट हम देखना चाह रहे थे वो तो यहाँ पे दिखाई नहीं हमें, क्योंकि दोनों ही ग्रुप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सेम परफॉर्म कर रहे हैं. सो ये जो कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हुआ कि अब क्या करें, सो वो जो अब क्या करें है उसको सॉल्व करने के लिए मायो और उनके एसोसिएट्स ने इस स्टडी को ज्वाइन किया. और इन्होंने फिर एक चीज बोली कि गर्ल्स के अंदर ना एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन जो है वो डेवलप हो गया है. किस वजह से? क्योंकि जो रिसर्च टीम है उनके ऊपर ध्यान दे रही है, उन 6 लड़कियों के ग्रुप के ऊपर. सो जब हमें कोई ऑब्जर्व कर रहा होता है तो हम अपना बेस्ट करना चाहते हैं ना. सो जब इनके अंदर क्या हो गया, एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन जो है वो डेवलप हो गई है, ये रीजन मायो ने दिया. सो प्रोडक्टिविटी किससे लिंक्ड है? सुपरविजन और मोरल से रिलेटेड है. यानी कि अगर टीचर आपको पता है कि टीचर आपको ऑब्जर्व कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, तो आप अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, ये हो गई पहली चीज. सो वर्क सेटिस्फेक्शन जो है वो किस पे भी डिपेंड करेगा, इनफॉर्मल पैटर्न ऑफ वर्किंग ग्रुप के ऊपर भी डिपेंड करेगा. सो ये पहला एक्सपेरिमेंट हुआ. दूसरा एक्सपेरिमेंट था रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट. वर्किंग कंडीशन में हमने सिर्फ अभी लाइट के ऊपर फोकस किया था पिछले एक्सपेरिमेंट में, अब हमने बहुत सारी अलग अलग वर्किंग कंडीशंस चेंज करके देखी कि आपको ब्रेक मिल रहा है बीच में या कुछ और चीजें हो रही हैं. सो हमने बहुत सारे वर्किंग कंडीशंस को चेंज करके देखा. सो वो जो चेंज की उसका क्या आउटपुट के ऊपर या मोरल के ऊपर क्या फर्क पड़ता है ये देखना चाह रहे हैं हम. सो यहाँ पे क्या मिला हमें कि प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है कंपैरेटिवली. ठीक है, तो सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो इंपैक्ट करते हैं किसी भी परफॉर्मेंस में. एम्प्लॉय जो भी परफॉर्म करेगा तो जो सोशल फैक्टर्स हैं वो जो है ज्यादा जो है इंपैक्ट डालेंगे रादर देन वर्किंग कंडीशन. ये चीजें हमें पता चली. ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, यानी आप बहुत सारे लोगों का एक साथ इंटरव्यू ले रहे हैं. सो ये पता था ऑब्वियसली उन वर्कर्स को. सो वर्कर्स के ऊपर फोकस किया गया और उनसे क्वेश्चंस पूछे गए. क्वेश्चंस कैसे पूछे गए? ताकि वो जो इम्प्लॉय की फीलिंग्स हैं कि वो एग्जैक्टली किसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या दिक्कत उनको आ रही है, क्या है उनके मन में, तो वो चीजें एक्सप्लोर करने के लिए ये प्रोग्राम किया गया. ये आपको कई जगह पे ह्यूमन एटीट्यूड्स एंड सेंटीमेंट्स प्रोग्राम के नाम से भी मिल जाएगा. यूज ऑफ वेंटिलेशन थेरेपी जो है यहाँ पे हुआ. कैसे हुआ? यानी आपके मन में मान लो कोई चीज है और आपने वो चीज बता दी आपको, तो आप ये सोचेंगे ना कि चलो ठीक है, मैंने अगर कोई चीज बताई है एग्जामिनर को या कोई जो इंटरव्यू लेने आया है, सो वो एटलीस्ट उसके ऊपर क्या करेगा, काम करेगा और चीजें अब सुधरनी शुरू होंगी. सो वो चीज क्या हो गई कि जो आपके मन में था आपने बोल दिया सारा का सारा, वेंट मतलब बाहर निकाल दिया सारा. ठीक है, तो उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली क्या हुआ, हमने और कोई कंडीशन चेंज नहीं की, लेकिन आपके दिमागी तौर पर यह चीज हो गई कि हाँ अब चीजें सुधर रही हैं. अच्छा, ये इसलिए सुधर रही हैं क्योंकि हमने उस दिन इंटरव्यू में ये चीज बोली थी. ठीक है, सो ये चीज थी कि चेंज कुछ भी नहीं हुआ है. सो यहां से हमें पता चलेगा कि वर्कर्स जो है वो सोशल एनिमल्स हैं और वो एनवायरमेंट से अफेक्ट होते हैं.
एक और चीज वियर्ड सी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, कई बार हम कोई रिलेशनशिप नहीं होता जो फैक्ट हमें दिख रहा होता है या जो नेचर ऑफ कंप्लेन है. अब एक व्यक्ति, एक लेडी है इसमें एग्जाम्पल के रूप में, उनको क्या होता है कि जो सुपरवाइजर है उसका फेस जो है वो रिजेंबल करता है, मैच करता है उसके स्टेप फादर के साथ, सौतेले पापा के साथ. वहां से उसको क्या हो जाती है, दिक्कत होनी शुरू हो जाती है सुपरवाइजर से, जबकि सुपरवाइजर ऐसा कुछ नहीं कर रहा है और कोई दिक्कत नहीं हो रही है सुपरवाइजर की तरफ से, बट स्टिल वो एक दिमाग में बैठ जाती है ना चीजें. हम कई बार किसी के बारे में नेगेटिव सोच लेते हैं या जजमेंट बना लेते हैं तो वो ठीक ही नहीं हो पाती. सो वैसी ही कुछ चीजें यहां पर भी देखने को मिली. और जब पता है कि मास इंटरव्यूइंग हो रही है और सुपरवाइजर्स के बारे में जाना जा रहा है तो सुपरवाइजर के बिहेवियर में भी चेंज आता है. तो ये चीज देखने को मिली कि उनके एटीट्यूड, मतलब वो कैसे बिहेव कर रहे हैं बाकी लोगों के साथ, इस चीज में भी फर्क आया. लास्ट है बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट. अब इसमें और बाकी जो तीन एक्सपेरिमेंट है उनमें क्या फर्क था कि यहाँ पे नेचुरल सेटिंग में लोगों को ऑब्जर्व किया गया. वहां पे क्या था कि उनको पता था कि उनका इंटरव्यू हो रहा है, उनसे चीजें पूछी जाएंगी वगैरह वगैरह. बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट में नहीं पता था इसको, इसलिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेरिमेंट भी बोल देते. 1931-32 में किया गया. बैंक वायरिंग क्यों बोला जा रहा है इसको, क्योंकि बैंक के वायरिंग डिपार्टमेंट में वो लोग जो है नेचुरल सेटिंग में चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे. ठीक है, सो वहां से इसका नाम पड़ गया, जो हमें ज्यादा फोकस की जरूरत है नहीं. सो किस लिए किया गया ये एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हम ये देखना चाह रहे थे कि जो नॉर्म्स हैं, यानी कि कैसे जो कंट्रोल्ड ग्रुप है, मतलब मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोगों में चार पांच जो है लोग या फिर उनका पूरे के पूरे लोगों का ही एक ग्रुप बना हुआ है, और वो ग्रुप कुछ इनफॉर्मल, मतलब एक तरीके से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रुप, और वो ग्रुप जो है कैसे इफेक्ट करेगा किन चीजों को, जो उनका काम का, जो उनकी काम की चीजें है ना, उनका काम जो है या उनकी प्रोडक्टिविटी जो है, सो उस ग्रुप की बातें कितनी अफेक्ट करेंगी वहां पे, वो चीजें देखने की, यहां देखने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि आप वहां रह के देखना चाह रहे हैं कि क्या. अच्छा, पहली बात तो ये कि वहां पे एक जो है वो ग्रुप है, मतलब एक इनफॉर्मल ग्रुप एग्जिस्ट करता है. इनफॉर्मल ग्रुप में भी अपनी कुछ जो है लिमिटेशंस होती हैं, अपनी कुछ चीजें डिसाइडेड होती हैं. जैसे किसी भी कंपनी का फॉर्मली कोई टारगेट होता है, वैसे ही उस ग्रुप का भी अपना एक टारगेट होता है जो वो लेके चलते हैं, और वो साथ लेके चलते हैं सबको एक साथ. ठीक है, सो ये चीज जानने के लिए यहाँ पे बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया. एब्सेंटिज्म इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में लोग जो है वो टिक नहीं पा रहे हैं, स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं जॉब के रूप में, या तो वो चले जाते हैं या कोई और इश्यू आ जाता है. सो वहां से जो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री वाले हैं उनको इश्यू हो रहा था, तो उन्होंने जब चेक किया इस चीज को, सो मायो ने क्या सजेस्ट किया मैनेजमेंट को कि उनको एनकरेज करना चाहिए कि इनफॉर्मल ग्रुप्स जो है वो आपस में बनाए, और जो वर्कर्स हैं उनको ह्यूमंस की तरह ट्रीट कीजिए, ना कि किसी मशीन के पार्ट की तरह. वो हर टाइम काम नहीं कर सकते, उनको ब्रेक भी मिलना चाहिए. सो ये सब चीजें जो है वो मायो ने बोली. सो यहां से हमें पता चल रहा है कि वो इनफॉर्मल ग्रुप्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, राइट. सो वो जो मैंने आपको अप्रोच में एक स्लाइड में पांच चार पांच पॉइंट बताए थे, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे इन एक्सपेरिमेंट्स में देखने को मिले होंगे कि मायो ने कब कौन सी चीज कैसे बोली. ठीक है जी, अब जो ओवरऑल जो इसमें जो हमारी हॉथन स्टडीज थी 8 साल की, 1924 से 32 तक, ठीक है ना, हाँ इतना ही, यही है. सो 32, ये जो 8 साल की स्टडीज थी इनका क्या कंक्लूजन निकला, ये जो एक्सपेरिमेंट्स थे क्या कंक्लूजन निकला. तो सबसे पहला तो यही कि सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वर्क प्लेस के वो मैटर करते हैं, यानी कि वो एम्प्लॉय का आउटपुट और मोरल को जो है डिटरमाइन करेंगे, रादर देन जो फिजिकल कंडीशंस हैं, वर्क कंडीशंस हैं वो. पहली बात. दूसरी बात, ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल सिस्टम है, ये हमने देख लिया. जो वर्कर्स हैं वो सोशल ह्यूमन, मतलब सोशल एनिमल्स जो है उनको बोला गया. नॉन इकोनॉमिक अवार्ड्स जो होंगे या जो सैंक्शंस होंगे वो सिग्निफिकेंटली वर्कर्स के आउटपुट को, बिहेवियर को ज्यादा इंपैक्ट करते हैं एज कंपैरिजन टू इकोनॉमिक अवार्ड्स. वर्कर्स जो हैं वो इनर्ट नहीं है, आइसोलेटेड नहीं है, रिलेटेड हैं वो एक दूसरे से, तो वो सोशल एनिमल्स हैं. The division of labor strictly on specialization is not necessarily the most efficient approach. So, आप लेबर को डिवाइड कर दें स्ट्रिक्टली किसी स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे, वो मोस्ट एफिशिएंट अप्रोच नहीं होगा, ऐसा इनका कहना था. वर्कर्स की एक टेंडेंसी होती है कि एक वो स्मॉल सोशल ग्रुप जो है वो बनाए, जिसको हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या इनफॉर्मल ग्रुप बोल रहे हैं, और ये द प्रोडक्शन नॉर्म्स एंड बिहेवियरल पैटर्न्स जो है वो इन ग्रुप्स के द्वारा क्या किए जाते हैं, सेट किए जाते हैं. जैसे प्रोडक्शन नॉर्म्स
फॉर्म्स मैंने आपको बताया था कि 20 यूनिट अगर कंपनी बोल रही है आपको बनानी है एक दिन में किसी भी चीज की, सो इनका प्रोडक्शन नॉर्म्स अलग होंगी। ये हो सकता है 15 पे सेट कर दे और ये बोले कि सब ग्रुप्स जो है 15 यूनिट्स ही बनाएंगे, सो उनका बिहेवियरल पैटर्न और प्रोडक्शन नॉर्म्स जो है वो भी सेट होती है इन स्मॉल ग्रुप्स में। वर्कर्स रिएक्ट टू मैनेजमेंट एज मेंबर्स ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप वर्क ग्रुप रादर देन एज इंडिविजुअल्स, और जो वर्कर्स हैं वो एक इंडिविजुअल की तरह जो है बोलने की बजाय वो ग्रुप में बोलना पसंद करेंगे, एक इनफॉर्मल वर्क ग्रुप जो है वो उनका रहेगा, तो वो इंडिविजुअल की तरह बिहेव करने की बजाय एक ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे। जो लीडरशिप रहेगी, जो स्टाइल ऑफ सुपरविजन रहेगा, जो सुपरवाइजर कैसे सुपरवाइज कर रहा है, कैसे डील कर रहा है, कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, पार्टिसिपेशन, ये जो सब चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वर्कर के बिहेवियर, उसका सेटिस्फेक्शन और उसकी प्रोडक्टिविटी को जज करने में, चेंज करने में, ठीक है। सो लीडरशिप जो है वो बेहतरीन दर्जे की होनी चाहिए, उसकी वजह से वर्कर के बिहेवियर, सेटिस्फेक्शन और प्रोडक्टिविटी सबके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ये जो है मैंने आपको करवा दी है ह्यूमन रिलेशन थियरी और हिल्टन मायो से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो सारी की सारी। सो इतना जो है आपके यूजीसी नेट एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट था और बहुत है, ये मोर देन इनफ है ये वीडियो इस टॉपिक के लिए, ठीक है जी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो सो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना। आप लोग देखते हैं वीडियोस, थैंक यू फॉर दैट, बट आप लाइक करना भूल जाते हैं, ठीक है, तो लाइक भी कर दीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।